Assalamu alaikum dear students, we are here coming with our new lecture regarding chemical bonding. And अभी तक हमने chemical bonding में जो previous video upload किया था, that was regarding bond polarity, जिसमें हमने Fajanus rule discuss किया, जिसमें हमने Fajanus rule के साथ साथ ये भी discuss किया था कि कौन सी covalent bond polar होगी और कौन सी covalent bond non-polar होगी. और आज के इस topic में, आज के lecture में जो हम discuss कर रहे हैं, that is very much important topic, that is dipole moment. तो डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन करेंगे, वो क्या होता है, इसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, और डाइपोल मोमेंट हम मॉलिक्यूल्स में कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा या कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कम होगा, या डाइपोल मोमेंट के एप्लीकेशंस कौन कौन से, हमें डाइपोल मोमेंट पढ़ना क्यों है, तो वो वाला टॉपिक रहेगा आज का, जिसमें हम एवरीथिंग एलिमेंट्री आइडिया जो भी होगा या जो भी एप्लीकेशन वाला पार्ट होगा डाइपोल मोमेंट के रिलेटेड, वो हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहली बात, जो डाइपोल मोमेंट है, इट इज डिनोटेड बाय म्यू. इसका जो सिंबल है, इट इज डिनोटेड बाय म्यू. सर अब ये डाइपोल मोमेंट है क्या, अब समझाता हूं एक चीज. यहां पे एक मॉलिक्यूल है HCl, HCl वाला मॉलिक्यूल है. तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये वीडियो सुनने से पहले, ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप हेडफोन्स का इस्तेमाल किया कीजिएगा. जब भी आप ये लेक्चर सुनो, आप हेडफोन्स का इस्तेमाल कीजिएगा जरूरी. तो देख लीजिए, HCl वाला मॉलिक्यूल है. तो HCl वाले मॉलिक्यूल में क्लोरीन, वी नो दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. तो इस पे क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, स्लाइट नेगेटिव चार्ज. और इस पे क्या आ जाएगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. ये देख लीजिए, आपका HCl मॉलिक्यूल है जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है. तो पोलर HCl मॉलिक्यूल की जहां तक बात करते हैं, इसमें एक साइड से नेगेटिव चार्ज है, दूसरा एक साइड से पॉजिटिव चार्ज है. और नेगेटिव पॉजिटिव जो है, इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, नेगेटिव मैग्नीट्यूड चार्ज का मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, वो मैं रिप्रेजेंट करता हूं क्यों से. Q is here. Q represents the magnitude of negative charge or the magnitude of positive charge present in the molecule. इस molecule में negative charge कितना develop हुआ है chlorine के ऊपर, या hydrogen के ऊपर positive charge कितना ज़्यादा develop हुआ है, कितना कम develop हुआ है, तो वो इनका magnitude represent करने के लिए हमने Q का इस्तेमाल किया. Q here represents the magnitude of charge present on the molecule. ठीक है. अब इस negative charge और positive charge के बीच में ये जो ये डिस्टेंस आ रही है, यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस आ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो ये डिस्टेंस आ रही है, इसको मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूं. सो आई एम यूजिंग टू लेटर्स हियर, वन इज क्यू. क्यू रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द मॉलिक्यूल. और यहां पे जो डी है, डिस्टेंस दैट रिप्रेजेंट्स द डी है, जो डिस्टेंस है, दैट डी रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड पोल्स, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल के बीच में कितनी डिस्टेंस है. एक चीज देख लीजिए, अब ये जो म्यू है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्यू, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज. यहां पे नेगेटिव का चार्ज डेंसिटी कितना है, पॉजिटिव का चार्ज कितना है, उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है, वो उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट मीन्स इफ आई हैव टू डिफाइन दिस डाइपोल मोमेंट, dipole moment is the product of, it is the dipole moment, it is the product of the q, magnitude of negative charge or positive charge on the atoms, and the distance between the charges, distance between the charge. To ye aa gaya dipole moment ka definition. What is dipole moment? It is the product of the magnitude of negative or positive charge on the atoms in case of polar molecules, and the distance between the oppositely charged poles. एक पोलर मॉलिक्यूल में जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसका वैल्यू पुट करना है, और डिस्टेंस जो होगा इन अपोजिटली चार्ज्ड आयन पोल्स के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा, उसका वैल्यू पुट करना है. इन दोनों का प्रोडक्ट लेके हमें डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल निकल जाएगा. तो मैं ये हटा देता हूं, यहां पर ये मैं हटा देता हूं. डाइपोल मोमेंट का जो म्यू, डाइपोल मोमेंट जो है, इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिबाई. इसका जो यूनिट है मेजर करने का, दैट इज डिबाई. सर ये डिबाई क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं. ये डिबाई एक यूनिट है क्या मेजर कर, जिसमें हम मेजर क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट. जैसे लेंथ का अपना यूनिट है,
या मास का अपना यूनिट है, वैसे डाइपोल मोमेंट का भी यूनिट एक है जो क्या है डिबाई। तो ये एक डिबाई कितना होता है सर, या डाइपोल मोमेंट ये एक डिबाई है क्या चीज, मैं आपको समझाती हूं। मैंने अभी कहा था म्यू इज इक्वल टू क्यू इन टू डी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यहां पे समझिए, इफ क्यू दैट इज द चार्ज, इफ द चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन सीएल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एच पॉजिटिव, इफ दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 10 ई एस यू। अगर हम क्यू का वैल्यू ले, कितना एक पोलर मॉलिक्यूल में क्यू का वैल्यू लेते हैं 10 रेज टू पावर माइनस 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये चार्ज का यूनिट है। ये क्यों क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर वही कितना है 10 रेज टू पावर माइनस 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एंड इफ दिस डिस्टेंस डी बिटवीन द नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इफ दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। हमने क्यों का भी वैल्यू लिया है और डिस्टेंस डी का भी वैल्यू लिया है, तो म्यू किसके बराबर आएगा, म्यू विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 10 ESU multiplied by 10 raised to power minus 8 centimeter. तो यहाँ पे जो mu का value आएगा, bases are same, powers are added. Sorry, यहाँ पे ये 10 है, 10 is power minus 10, 10 is power minus 10. Bases are same, powers are added. It will be 10 raised to power minus 18 ESU centimeter. तो ये आएगा mu का value. तो याद रख लीजिएगा, जब magnitude of charge 10 raised to power minus 10 ESU हो, electrostatic unit. और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज हो 10 रेज पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, उस टाइम जो म्यू आता है वो कितना आता है 10 रेज पावर माइनस 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। तो देख लीजिए बेटा, यही जो वैल्यू है 10 रेज पावर माइनस 8 सेंटीमीटर ESU सेंटीमीटर, इसी का हम नाम रखते हैं बेटा वन डिबाई। वन डिबाई, व्हाट इज वन डिबाई इक्वल टू, वन डिबाई इज इक्वल टू 10 रेज पावर माइनस 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, जो कि यूनिट है किसका, डाइपोल मोमेंट का। एक्चुअली डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो है ESU सेंटीमीटर, इसी 10 रेज पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर को हम नाम देते हैं क्या, वन डिबाई केमिस्ट्री में। और एक चीज याद रख लीजिएगा, जो डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट है, SI यूनिट, ये भी पूछा जा सकता है कभी, तो चार्ज का जो डाइपोल, जो चार्ज का SI यूनिट है दैट इज कूलम, और जो डिस्टेंस का SI यूनिट है वो है मीटर। तो इसका SI यूनिट क्या आएगा फिर, कूलम मीटर। तो मैंने चार्ज के बदले क्या लिया था, ESU, और डिस्टेंस किस में ली थी, सेंटीमीटर में। तो आपका जब म्यू आएगा 10 रेज पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, इसी का नाम रखते हैं हम क्या, वन डिबाई। तो समझ लीजिएगा एक चीज समझिएगा, अगर मैं कहूं एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट जो है, एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, उसका डाइपोल मूवमेंट है 3.5 डिबाई, तो उसका डाइपोल मूवमेंट कितना होगा फिर, 3.5 इनटू क्या करोगे, डिबाई का वैल्यू, एक डिबाई कितना होता है 10 रेज पावर माइनस ई एस यू सेंटीमीटर, 10 रेज पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, ये आएगा उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट। तो देख लीजिए और एक चीज, अगर मेरे पास म्यू है मॉलिक्यूल का 2 डिबाई, तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, दैट विल बी 2 इनटू 1 डिबाई का वैल्यू ये है 10 रेज पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, ये इसका आएगा कंप्लीट डाइपोल मोमेंट। तो मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स दिए गए थे, एक तो ये मॉलिक्यूल था, दूसरा ये मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट इतना है और इसका डाइपोल मोमेंट इतना है। देयर इज अ रूल इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में एक रूल है, एक मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही वो ज्यादा पोलर है। समझ लीजिए, म्यू किसके बराबर था, डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू क्यू इनटू डी, जितना चार्ज होगा ज्यादा तभी जाके डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, या जितनी चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव जितना ज्यादा दूर होगा उनकी अट्रैक्शन कम होगी, जितनी अट्रैक्शन कम होगी तो न्यूट्रलिटी होने के चांसेस कम है, न्यूट्रलिटी के चांसेस कम है मतलब मॉलिक्यूल के पोलर रहने के चांसेस ज्यादा है। तो डिस्टेंस ज्यादा मतलब किसको सपोर्ट करता है, आयनिक नेचर को। तो चार्ज का ज्यादा होना वो भी किसको सपोर्ट करता है, आयनिक नेचर यानी कि पोलर होने। मोर द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना चार्ज ज्यादा होगा
और जितना उन चार्जेस के बीच में दूरी ज्यादा होगी उतनी उनका अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जितना अट्रैक्शन कम उतना न्यूट्रलिटी कम होगा, जितना न्यूट्रलिटी कम होगा उतना उस मॉलिक्यूल में जो है कोवलेंट कैरेक्टर कम रहेगा, यानी कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग मोर द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, मोर इज द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, या मोर इज इट्स आयनिक कैरेक्टर, उतना ही उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल्स दिए गए थे, एक का डाइपोल मोमेंट था 3.5 डिवाइड, दूसरे का था 2 डिवाइड। तो इन दोनों में से अगर आपको पूछा जाए कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा, वो ये वाला मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होगा, हाईली पोलर मॉलिक्यूल होगा, हाईली पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या होगा, लेस पोलर मॉलिक्यूल होगा, लेस पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट कम है, इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है। डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद चार्ज, जितना डाइपोल मूवमेंट ज्यादा उतना चार्ज ज्यादा, या केमिस्ट्री के हिसाब से कहते हैं जितना चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, चार्ज के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही चार्जेस के बीच में दूरी, जितनी दूरी ज्यादा होगी उतनी अट्रैक्शन कम, जितनी अट्रैक्शन कम पॉजिटिव भी न्यूट्रलाइज होने के चांसेस कम, जितने न्यूट्रलाइज होने के चांसेस कम है उतने पोलैरिटी डेवलप होने के चांसेस ज्यादा है कि मॉलिक्यूल उतना ज्यादा पोलर रहेगा। तो हटा देते हैं इसको हम अपने, ये जो यहां पे हम पढ़ रहे थे दिस वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट जो आपको एग्जाम्स में आता है केमिस्ट्री के हिसाब से। केमिस्ट्री में हमेशा आपको मॉलिक्यूल दिए गए होते हैं, तो आपको मॉलिक्यूल उसमें प्रिडिक्ट करना होता है कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा या कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो याद रखना है आपको कभी वैल्यूज याद नहीं करने हैं डाइपोल मोमेंट की, आपको सिर्फ ये आना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा या कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कम होगा या कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, ये चीजें हमें प्रिडिक्ट करनी आनी चाहिए। तो वही मैं आप टॉपिक पढ़ा रहा हूं, वही मेन इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी तक हम पढ़ रहे थे दिस वाज द थ्योरेटिकल पार्ट, ये आप अगर याद ही नहीं रखोगे तो कोई जरूरत ही नहीं है। ओरिजिनल टॉपिक जो आपको हमें पढ़ना है यहां पे, दैट इज डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डिटरमिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं या उसका वैल्यू प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं। मैं लिखता हूं प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन और डिटरमिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। हम डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा या कौन से मॉलिक्यूल का कम होगा या कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जिस भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा वो मॉलिक्यूल का या तो चार्ज क्यों जीरो होगा या डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जीरो होगा। जब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जीरो होगा अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी, जितनी अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल न्यूट्रल बन जाएगा, तो उस मॉलिक्यूल का जो म्यूज है जीरो आ जाएगा और मॉलिक्यूल में पोलैरिटी बिल्कुल ही जीरो रहेगी और वैसे मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो हेयर आर द रूल्स फॉर प्रिडिक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। नंबर रूल नंबर फर्स्ट, अगर आपने डाइपोल मूवमेंट प्रिडिक्ट करना हो म्यू का वैल्यू जीरो से ज्यादा होगा या जीरो होगा, वो चीज प्रिडिक्ट करने के लिए आपका रूल नंबर फर्स्ट है। आप देख लीजिए, आपने ऑलरेडी पढ़ा है एचएफ वाला मॉलिक्यूल, इससे पहले जो लेक्चर मैंने दिया था उसमें मैंने एचएफ की पोलैरिटी बताई थी, इसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा होती है। तो एचसीएल आएगा यहां पे और एचबीआर आएगा यहां पे। देख लीजिए बेटा, यू नो दैट फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इन तीनों में से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, जितना ही ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा और इस वाले पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये इलेक्ट्रॉन्स को कम ही अपनी तरफ खींचेगा, इस पे कम नेगेटिव आएगा और कम पॉजिटिव आएगा इसके कंपैरिजन में। और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से भी कम है, फ्लोरीन से भी कम, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, इस पे कम नेगेटिव आएगा कम पॉजिटिव आएगा। दैट मींस दिस मॉलिक्यूल इज हाईली पोलर, हाईली पोलर, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव ज्यादा रहेगा फ्लोरीन की वजह से। लेस पोलर, लेस पोलर क्यों, लेस पोलर क्यों लिख लिया, क्योंकि इसमें जो क्लोरीन है वो उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स को जितना यहां पे फ्लोरीन कर रहा है। और ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा लीस्ट पोलर होगा, लीस्ट पोलर। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे हो, जितना पढ़ा है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही चार्जेस डेवलप ज्यादा होगा, जितना चार्जेस डेवलप ज्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर कहलाएगा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो देख लीजिए ये हाईली पोलर है, हाईली पोलर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू विल बी लार्ज, और चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा हो उतना ही इसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। दैट मींस इसका जो म्यू होगा दैट विल बी एक्सट्रीमली लार्ज, म्यू बहुत ज्यादा होगा।
और लेस पोलर मतलब क्यों का चार्ज वैल्यू, क्यों का मैग्नीट्यूड कम, जब क्यों कम होगा तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी कम ही होगा, और ये लीस्ट पोलर है क्यों का वैल्यू सबसे कम है तो डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा और इसमें डाइपोल मोमेंट भी लीस्ट होगा, सबसे कम डाइपोल मोमेंट्स का होगा। वो आप बुक्स में से देख सकते हो, उनमें बुक्स में आपको क्या करना है, वैल्यूज देखने किसका कितना वैल्यू है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको वैल्यूज याद ही नहीं रखने, आपको सिंपली आना चाहिए द मॉलिक्यूल, द रूल इज मोर पोलर द मॉलिक्यूल मोर इज इट्स डाइपोल मोमेंट और वाइस वर्सा, जितना डाइपोल मोमेंट कम उतनी पोलैरिटी कम। अब फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ज्यादा खींचेगा, जितना ज्यादा ज्यादा खींचेगा उतना नेगेटिव ज्यादा होगा, उतना पॉजिटिव ज्यादा होगा, उतना ही क्यों का मैग्नीट्यूड चार्ज का मैग्नीट्यूड जब ज्यादा आ जाए तो बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी, जितना ही बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी इसका डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। ये चीज आपको समझना है, बताइए देखते हैं। ये रूल नंबर फर्स्ट था, द रूल नंबर फर्स्ट इज मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स मोर इज द बॉन्ड पोलैरिटी एंड मोर इज द डाइपोल मूवमेंट। एंड रूल नंबर सेकंड क्या है, देख लीजिए, एक बात आपको याद रखनी है, डाइपोल मोमेंट जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो डाइपोल मोमेंट है इसमें डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ मूव हो रहा है। आई एम सेइंग हियर डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब है यहां पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ म्यू। म्यू का वैल्यू खाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे भी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कि इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो देख लीजिए द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो एक एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। ये जो मैंने यहां पे एरो लिखी है with having positive charge on it still, this arrow represents direction of dipole moment or it is also called as resultant dipole moment, resultant direction. अब देख लीजिए समझ आ जाएगा। यहां पे एक मॉलिक्यूल है BEF2, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है। आप देख लीजिए यहां पे राइट साइड से एक फ्लोरीन है और लेफ्ट साइड से एक फ्लोरीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ ले रहा है राइट डायरेक्शन की तरफ, इलेक्ट्रॉन उसको खींच रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन उसको खींच रहा है यहां से, बट कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में ले रहा है। BEF2 में एक पुल जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का पुल जो हो रहा है कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, एक राइट डायरेक्शन में हो रहा है, और दूसरा पुल जो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है कौन सी डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डायरेक्शन या रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, रिजल्टेंट, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल। आप मुझे यहां पे बताइए ये जो पुल हो रहा है राइट डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, ये जो पुल हो रहा है कौन सी डायरेक्शन, लेफ्ट, यानी बोथ टू टाइम्स इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है यहां से यहां, तो इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या आएगा, जीरो। जब रिजल्टेंट डायरेक्शन, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यहां पे जीरो आएगा तो विदाउट सीइंग टुवर्ड्स फ्लोरीन और ब्रोमीन वी से म्यू इज इक्वल टू जीरो और ये मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये बात याद रखिएगा बेटा, ये बात याद। हालांकि हम ऐसे भी कर सकते हैं, सर फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे स्लाइड नेगेटिव आएगा, इस पे स्लाइड पॉजिटिव आएगा, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव मतलब क्यों भी है तो चार्जड होगा, पोलर होगा, बट ये पोलर नहीं है बेटा, ये वो मॉलिक्यूल है, यहां पे स्लाइड नेगेटिव है, यहां पे स्लाइड नेगेटिव है, इस पे टू टाइम स्लाइड पॉजिटिव भी है। देखिए जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है, रिजल्टेंट डायरेक्शन जो है वो क्या आ रही है, जीरो, क्योंकि ये राइट की तरफ ले रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ये लेफ्ट की तरफ ले रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या आएगी, जीरो। जब रिजल्टेंट डायरेक्शन जीरो आ रही है तो बिना बॉन्ड्स को देखे हम सीधे कहेंगे इसका म्यू जो है वो जीरो होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिजल्टेंट डायरेक्शन, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा, जीरो। और ऐसे मॉलिक्यूल को जिसका रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट जीरो आए, नो डाउट द बॉन्ड्स आर पोलर, नो डाउट द बॉन्ड्स आर पोलर, पर रिजल्टेंट डायरेक्शन जीरो आने की वजह से इस मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं और एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2,
अगर हम देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो स्लाइड नेगेटिव आएगा, इस पे भी स्लाइड नेगेटिव आएगा, इस पे टू टाइम स्लाइड पॉजिटिव आएगा, तो हमको लगेगा यहां पे बॉन्ड पोलर है, ऑब्वियसली इसमें बॉन्ड पोलर है, लेकिन जो रिजल्टेंट पुल है ये इलेक्ट्रॉन उसको खींचेगा राइट साइड में और ये इलेक्ट्रॉन उसको खींचेगा लेफ्ट साइड में, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, जीरो, वंस अगेन म्यू इज इक्वल टू जीरो। इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड्स आर पोलर बट द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज जीरो बिकॉज ऑफ दैट म्यू इज जीरो। एंड व्हेन म्यू इज जीरो बेटा, व्हेन म्यू इज जीरो हियर वी से द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, नॉन पोलर हो गए मॉलिक्यूल। एक मिनट में लाइट को ऑन कर देता हूं मैं जल्दी, एक सेकंड में आ जाता हूं। देख लीजिए बेटा यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में लीनियर मॉलिक्यूल है, बॉन्ड पोलर है, लेकिन जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आ रहा है वो जीरो आ रहा है, रिजल्टेंट डायरेक्शन ये राइट तरफ खींच रहा है, ये लेफ्ट तरफ खींच रहा है, रिजल्टेंट डायरेक्शन जीरो आ रही है, इसकी वजह से हम मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, इसका म्यू जीरो होगा, नो डाउट बॉन्ड्स आर पोलर, म्यू इज जीरो, व्हेन म्यू इज जीरो मॉलिक्यूल को नॉन पोलर कहेंगे बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर लीनियर इफ देयर बॉन्ड्स आर पोलर बट द नेट डायरेक्शन और नेट रिजल्टेंट पुल इज जीरो, देन द म्यू इज जीरो एंड मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और एक एग्जांपल लेते हैं, सी सी एल सी एल सी एल एंड सी एल, ये देख लीजिए सी सी एल फोर कार्बन टेट्रा क्लोराइड सी सी एल फोर मॉलिक्यूल है, तो ये इलेक्ट्रॉन उसको कहां खींचेगा, आप देख लीजिए एक चीज, सीएल पे स्लाइड नेगेटिव, इस पे भी स्लाइड नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उसको खींचेगा यहां से, ये इलेक्ट्रॉन उसको खींचेगा स्लाइड नेगेटिव, इस पे भी आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ खींचेगा स्लाइड नेगेटिव, ये ऊपर की तरफ खींचेगा स्लाइड नेगेटिव, तो यहां पे आएगा फोर टाइम्स स्लाइड पॉजिटिव, दैट मींस इन केस ऑफ CCl4 मॉलिक्यूल, CCl4 मॉलिक्यूल बॉन्ड्स वंस अगेन आर पोलर, बॉन्ड्स आर पोलर, बट द बॉन्ड्स आर पोलर, बॉन्ड्स आर पोलर डज नॉट मीन मॉलिक्यूल इज पोलर। अब मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं है इसके लिए हमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट देखना पड़ेगा। अब जो इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन है कहां आ रहा है, अपवर्ड्स आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है ये वाला क्लोरीन, लेकिन ये वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या आएगी यहां पे, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इन दोनों के केस में जीरो, तो ये इलेक्ट्रॉन उसको कहां खींच रहा है, राइट साइड खींच रहा है इलेक्ट्रॉन उसको, ये वाला कहां खींच रहा है इलेक्ट्रॉन उसको, लेफ्ट साइड खींच रहा है, तो ये रिजल्टेंट पुल और ये रिजल्टेंट पुल जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का पुल और ये इलेक्ट्रॉन का पुल कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज द नेट व्हाट व्हाट इज द रिजल्टेंट और नेट डाइपोल मोमेंट इन दिस मॉलिक्यूल, दैट इज जीरो। जब डायरेक्शन जीरो आ रहा है तो म्यू आप जीरो लिखोगे, और जब म्यू जीरो होगा मॉलिक्यूल को कहा जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये जो ये मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऊपर की तरफ एक बॉन्ड, नीचे की तरफ एक बॉन्ड, राइट साइड की तरफ एक बॉन्ड, लेफ्ट साइड की तरफ एक बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल को हम कहेंगे इट इज हैविंग सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, CCl4 it has symmetrical structure, जिस भी molecule का structure या linear हो या तो symmetrical हो उसमें bonds polar होती है, लेकिन molecule का net resultant direction of dipole moment zero आने की वजह से mu zero आता है, और mu zero जब भी आए तो हम कहते हैं ये molecule क्या रहेगा, non polar रहेगा molecule, तो ये आ जाता है ये वाला case। तो इसमें आपने सीखा when the molecules are linear or symmetrical in structure the molecules have polar bonds but the molecule overall is non-polar because of the resultant direction or resultant direction or resultant dipole moment in such molecules is zero because of that molecule is considered as non-polar molecule. So last example le rahe hain, last rule le rahe hain, rule number third. Rule number third. The molecules which are having unsymmetrical structure. Molecules which are having unsymmetrical structure or bent structure or angular structure. वो molecules जिनका structure unsymmetrical हो या bent structure हो या angular structure हो वो molecules हमेशा पोलर होते हैं, दे दोज आर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज पोलर एंड पोजेस सम
dipole moment. जो मॉलिक्यूल्स अनसिमेट्रिकल हो, साथ ही में उनका स्ट्रक्चर बेंट हो या एंगुलर हो, वो मॉलिक्यूल्स हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स का हमेशा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ होता है, जीरो नहीं होता। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लेते हैं, देख लीजिए बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लेते हैं। आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल HOH, ये देख लीजिए, ये वाटर मॉलिक्यूल है, गंदा वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में देखोगे आप, ये वी शेप्ड, इनवर्टेड वी शेप्ड स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बेंट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है बेंट स्ट्रक्चर वाटर मॉलिक्यूल का। ये जो बेंट स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल का, यहां पे ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और यहां से ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। यहां पे हाइड्रोजन पे आएगा सल्फाइड पॉजिटिव और इस वाले हाइड्रोजन पे भी आएगा सल्फाइड पॉजिटिव। स्ट्रक्चर कौन सा है? बेंड स्ट्रक्चर है। आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स को खींचा ऑक्सीजन ने, यहां से भी खींचा ऑक्सीजन ने, दोनों हाइड्रोजन का लॉस हो गया, लेकिन इसका टू टाइम्स गेन हो रहा है, टू टाइम्स आ जाएगा इस पे सल्फाइड नेगेटिव चार्ज। अब एक चीज समझते हैं, यहां से जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन पुल जो हो रहा है कहां की तरफ हो रहा है? ऑक्सीजन की तरफ हो रहा है। और यहां से भी जो इलेक्ट्रॉन पुल है, इलेक्ट्रॉन जो पुल हो रहा है वो किसकी तरफ हो रहा है? ऑक्सीजन की तरफ हो रहा है। बेटा यहां पे आप बता सकते हैं जो रिजल्टेंट डायरेक्शन, क्या वो कैंसिल होगी? क्या ये सेम डायरेक्शन में नहीं है? जब हम BeF2 में देख रहे थे, एक फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन उसको राइट तरफ खींच रहा था, दूसरा लेफ्ट तरफ खींच रहा था, रिजल्टेंट पुल जीरो था। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के केस में ऐसा नहीं होता। जब ऐसा नहीं है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के जो शिफ्ट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन का पुल हो रहा है दोनों केसेस में, वो अपवर्ड्स हो रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहां पे रिजल्टेंट डायरेक्शन जीरो नहीं होगी, रिजल्टेंट डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी यहां की तरफ। यहां से भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जा रहा है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन जो नेट डायरेक्शन आएगी वो अपवर्ड्स आएगी यहां पर। इसका नाम पड़ेगा बेटा, इसका रिजल्टेंट डाइपोल, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट। देख लीजिए एक चीज, बॉन्ड्स भी पोलर है, स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव, बॉन्ड्स आर पोलर। और जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन पुल, इलेक्ट्रॉन के पुल का डायरेक्शन अपवर्ड्स आ रहा है, कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इनका सम हो जाएगा, अपवर्ड्स आ जाएगा, रिजल्टेंट पुल विल बी अपवर्ड्स। क्या यहां पे रिजल्टेंट डायरेक्शन है? है। जब रिजल्टेंट डायरेक्शन भी है, चार्ज भी है बॉन्ड्स का, तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी आएगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन भी आएगा, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज भी आएगा। इसका म्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। जब म्यू जीरो के बराबर नहीं होगा, द मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज पोलर। अब वाटर मॉलिक्यूल क्या है? वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो, उतना ही उसका बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होता है। और यही केस जो आपने वाटर में देखा, यही केस अमोनिया में भी होता है। अमोनिया में भी हाइड्रोजन जो होते हैं नीचे होते हैं। मैं दिखा देता हूं यहां पे। देख लीजिए बेटा, ये है NH3, NH, NH, NH। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये खींचेगा और ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे। तो तीनों डायरेक्शंस कहां है? अपवर्ड्स की तरफ है। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन का पुल होगा अपवर्ड्स। यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां से भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो रिजल्टेंट जो होगा नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट यही होगा, नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन। तो इसमें भी म्यू जीरो के बराबर नहीं होगा, ये भी पोलर होगा। जब ये पोलर होगा, इसकी बॉन्ड्स इस पे आएगा स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट पॉजिटिव, इस पे थ्री टाइम्स स्लाइट नेगेटिव आएगा। अब अमोनिया के केस में देख लीजिए, अमोनिया की बॉन्ड्स भी पोलर है और रिजल्टेंट डायरेक्शन भी है, और मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो पोलर होगा। तो अपने यहां पे तीन रूल्स सीखे, थ्री रूल्स आपने सीखे। एक रूल ये था, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी उतना ही बॉन्ड ज्यादा पोलर होगी।
दूसरा आपने रूल समझा, जब मॉलिक्यूल लीनियर होगा या सिमेट्रिकल होगा, बॉन्ड्स उसमें पोलर हो तो होती है, लेकिन रिजल्टेंट डायरेक्शन कैंसिल होने की वजह से मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट जीरो माना जाता है। और तीसरा रूल आपने सीखा, जो मॉलिक्यूल्स अनसिमेट्रिकल हो या बेंड स्ट्रक्चर जिनका हो, जैसे वाटर का है या अमोनिया का पायरामिडल स्ट्रक्चर है, वो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर माना जाता है। वैसे केसेस में बॉन्ड्स की पोलैरिटी कैंसिल नहीं होती है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है, म्यू का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होता, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स पोलर माने जाते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क आप घर में ये कीजिएगा कि आप वाटर और अमोनिया में से मुझे बता दीजिएगा कि इन दोनों में से किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है। क्या NH बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा कि OH बॉन्ड वाटर के केस में डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, वो वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके उसका कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, और विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन कमेंट कर दीजिएगा कि कौन से मॉलिक्यूल का, अगर वाटर का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है अमोनिया से क्यों है, या अगर अमोनिया का डाइपोल मूवमेंट वाटर से ज्यादा है क्यों है, वो आप कमेंट्स में लिख दोगे विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। खुदा हाफिज़।